गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लिपिड्स की इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लिपिड्स एक्चुअली दे आर फैटी एसिड्स, वो फैटी एसिड्स हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, बट दे इजिली डिजोल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे कि बेंजीन है, इथर है, क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन है, ये सारी चीजें चारों सब्सटेंस क्या है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजिली फैटी एसिड्स लिपिड्स डिजोल्व हो जाते हैं, यानी कि फैटी लिपिड्स किससे बने हुए, फैटी एसिड्स से, और फैटी एसिड्स इन सब में डिजोल्व हो जाते हैं, परंतु फैटी एसिड्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फैटी एसिड का यह है कि दैट दे हैव वन कार्बोक्सिल ग्रुप, उनके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि अटैच रहता है आर ग्रुप से, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप आर ग्रुप से, मे बी कॉल्ड एज दैट कुड बी कैसा हो सकता है, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मीन्स इसमें कार्बन एटम रेंजेस होंगे, कहाँ तक रेंज करेंगे, फ्रॉम वन कार्बन, इसमें एक कार्बन भी हो सकता है, एंड लीड्स टू द 19 कार्बन ऑल्सो। तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ कार्बन के 19 से 20 तक के कार्बन मॉलिक्यूल्स एटम प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, उनकी यूटिलिटी डिफरेंट है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक एंड द यूटिलिटी दे अगेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी है दैट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड टाइप ऑफ फैटी एसिड, वी विल डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स हैं जो कि जिनकी कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर देयर, वो सारे कार्बन एटम्स जो हैं दे आर बहुत सारे एडिटिव रेंजेस, कहाँ तक रेंज करते हैं, रेंजेस फ्रॉम वन कार्बन एटम टू 19 कार्बन एटम, एंड दीज कार्बन एटम्स दे जॉइन टूगेदर विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल एज मे बी द ट्रिपल बॉन्ड। या तो वो कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे, अटैच होंगे, या फिर वो शो करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली प्लांट्स में लार्ज अमाउंट में मिलता है। दूसरा है सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड में दैट इट लैक्स डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, उसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कार्बन एटम अटैच रहते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाते हैं। डिफरेंस क्या हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते हैं, वो रिमेन एज सच लिक्विड फॉर्म में रहेंगे, जैसे ऑयल वगैरह है, वो अगर टेम्परेचर लो भी होता है, कम हो जाता है टेम्परेचर, तब भी वो रूम टेम्परेचर पर भी वो नॉर्मल यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि ऑयल है, सरसों का तेल, लाइक दिस। मगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसा नहीं है, दैट दे सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाते हैं। नाउ दैट उनको हम बोलते हैं हार्ड फैट्स, क्या बोलते हैं उनको हम, हार्ड फैट्स। अब कुछ इस टाइप की एक तरीका तो ये हो गया, करेक्टरिस्टिक पे डिपेंड कर रहा है कि कार्बन एटम्स कितने बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो दो टाइप के हो गए। अब हमारी बॉडी में कुछ फैटी एसिड्स बायोसिंथेसाइज हो रहे हैं, खुद भी बन रहे हैं, मगर कुछ ऐसे हैं, ऐसे फैटी एसिड जो कि नहीं बनते हैं, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, असेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स। डिफरेंस क्या हुआ, दैट दीज असेंशियल फैटी एसिड दे आर नॉट बायोसिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी ये इस टाइप के फैटी एसिड प्रोड्यूस नहीं करती है बाय आवर बॉडी, एंड मस्ट बी सप्लाइड विद द फूड, हमको फूड के थ्रू उनको लेना पड़ता है, एंड दे हैव नो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो बहुत मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है, एग्जाम्पल है लिनोलिक एसिड। दूसरा है हमारा नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स, नॉन असेंशियल फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन से हमारी बॉडी में बायोसिंथेसाइज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है हमारी बॉडी के लिए असेंशियल कि हमें उसे फूड सप्लीमेंट के साथ
लेना पड़े. सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज नॉन एसेंशियल, येट इट इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी. हमारी बॉडी के लिए वो जरूरी है, मगर वो इट दे आर बायोसिंथेसाइज्ड इटसेल्फ बाय आवर बॉडी थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो इन दिस वे दैट इन द समरी वी कैन से दैट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं लिपिड्स, फैटी एसिड्स के साथ उनके पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है जो कि अटैच रहते हैं एल्काइल ग्रुप से. एल्काइल ग्रुप जिसको आर ग्रुप है, मे बी द इथाइल, या तो मिथाइल है या फिर इथाइल है, एंड इट रेंजेस टू द 19 कार्बन मॉलिक्यूल ऑल्सो. और वो दो टाइप में डिवाइड है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल. लिपिड्स को हम फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तीन तरीके के लिपिड्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और स्टेरॉइड्स. सिंपल लिपिड्स में सिंपल तरीके की होती है, इट मींस कोई एडिशन नहीं होगा किसी भी अदर ग्रुप का, सिर्फ उसमें प्रेजेंट होगा फैटी एसिड और अल्कोहल. क्या लिपिड्स हमने बोला था कि किससे बने होते हैं, फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से, तो वही चीज़ है यहाँ पे. क्या प्रेजेंट है, फैटी एसिड और अल्कोहल प्रेजेंट है, उनको हम सिंपल लिपिड्स बोलते हैं. एंड दे आर ट्राइग्लिसराइड्स. कैसे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं. एग्जाम्पल जैसे हमारे हम फैट और वैक्स को लेते हैं, और ये कैसे बनते हैं, दे आर फॉर्म बाय द एस्टरीफिकेशन. एस्टरीफिकेशन होगा मींस दैट अ कंडेंसेशन ऑफ अ कार्बोक्सिल ग्रुप और विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल ऑल्सो, विद एस्टरीफिकेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल. ये बनाते हैं सिंपल लिपिड को. एग्जाम्पल हमने लिया था ऑयल और वैक्स. तो ऑयल जो कि रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड रहता है, और मगर हम उसको हार्ड फैट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन मींस हम उसमें हाइड्रोजन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन. और जो ऑयल है वो पहले किस फॉर्म में था, अनसैचुरेटेड फॉर्म में था, अब वो सैचुरेटेड फॉर्म में हो जाएगा. एंड देन वो उसको उस टाइप के ऑयल को हम बोलेंगे जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के थ्रू बना है, सैचुरेटेड हो गया है, वो हो गया हमारा हार्ड फैट. एक है वैक्स, देखो जो कि बहुत लंबी लॉन्ग चेन ऑफ बनी हुई है, वेरी लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, उसको हम वैक्स बोलते हैं. दूसरा है हमारा टाइप ऑफ लिपिड, दैट इज द कंपाउंड लिपिड. कंपाउंड लिपिड इट मीन्स दैट सम अदर सब्सटेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व, दैट इट मीन्स येट दे आर द हैव द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड. फैटी एसिड का बना हुआ है, साथ में उसमें अल्कोहल है, और एक अदर ग्रुप भी प्रेजेंट है जो ग्रुप का बोलते हैं हम फॉस्फेट ग्रुप. या तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर उसमें शुगर ग्रुप प्रेजेंट होगा, या फिर उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होगा. ये दोनों चीज़ तो प्रेजेंट है, फैटी एसिड भी है, अल्कोहल है, बोथ द थिंग्स आर प्रेजेंट, बट एक्स्ट्रा चीज भी प्रेजेंट है, दैट इज द अदर ग्रुप लाइक फॉस्फेट, शुगर और मे बी द प्रोटीन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडिशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स दे आर नेम्ड एज फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइको if the glucose is present that is called as a glycolipids, and the proteins are present it means that a lipoprotein. Glycolipids jo hai wo mostly brain mein present hoti hain aur neurons mein present hote hain, iska composition hota hai aur myelin sheath ke formation mein kaam aata hai. jo lipoprotein hai milk mein aur egg yolk mein large amount mein lipoprotein present hota hai. ab main cheez hai that is the phospholipid. फॉस्फोलिपिड बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉस्फोलिपिड क्या कहाँ प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है. सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो इसके पास किसका कंपोजिशन क्या क्या होगा, दैट कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल प्रेजेंट है उसके पास, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट है जो कि फॉस्फेट ग्रुप को बाउंड करे हुआ है. नाउ दैट अब ये चारों चीजों मिलके अलग अलग दो पार्ट बना देंगे सेल मेम्ब्रेन में. ये स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो कि बायोलिपिड मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन. अब बायोलिपिड लेयर है उसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है. वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर दो टाइप के, उसमें सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बन जाता है. एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है. हाइड्रोफोबिक एंड क्या होता है इसमें हम देखेंगे. हाइड्रोफोबिक एंड को हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल, और वो नॉन हाइड्रोफोबिक का मतलब कि वाटर हेटिंग, वाटर से डर लगना, तो वाटर को दूर भगा देगा, उसमें सॉल्युबल नहीं होगा वो. सो दैट इज अ वाटर हेटिंग.
और उसमें कौन से चीज कैच कंपोजिशन है, टेल रीजन किस चीज से बनी है, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसमें, प्रेजेंट है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो फैटी ग्लिसरॉल है, ये फैटी एसिड है, चेन दैट इज हाइड्रोफोबिक और उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। तो ये वाली टेल रीजन कैसा है, ये नॉन पोलर टेल है और उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का। दो चीज हमने और बताई थी, फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस भी प्रेजेंट है। वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है ये जो सर्कल बना है वो हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है और नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस प्रेजेंट है। और ये वाला रीजन जो है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन, और वो कहलाता है हाइड्रोफिलिक और द पोलर एंड। कौन सा एंड, पोलर एंड, उसको बोलेंगे हेड। ये टेल रीजन, ये हेड रीजन, ये हाइड्रोफिलिक है मींस वाटर लविंग, क्लियर। दिस इज वाटर हिटिंग, दिस इज वाटर लविंग, दिस इज वाटर हिटिंग। तो इस तरीके से बायलिपिड लेयर बनती है सेल मेम्ब्रेन में और हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मूव इन एंड आउट फ्रॉम द सेल टू द अनदर सेल ऑल्सो, और मे मेक अ कॉन्टैक्ट बिटवीन द आउटर सराउंडिंग ऑल्सो। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन में दो रीजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोफोबिक रीजन है और एक हाइड्रोफिलिक रीजन है, इसलिए हम उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। किस नेचर की है, द मेम्ब्रेन इज एम्फीपैथिक नेचर। इन व्हाट नेचर, इट इज एम्फीपैथिक नेचर बिकॉज बोथ द टाइप ऑफ रीजन आर प्रेजेंट, हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट है और हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट है विद द हेल्प ऑफ किसकी वजह से, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड एंड नाइट्रोजन बेस कंटेनिंग बेस एंड द फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। सो इन दिस वे दैट कंपाउंड लिपिड दैट इज मेड अप ऑफ थ्री टाइप ऑफ कंपाउंड्स दैट इज फैटी एसिड, एल्कोहल एंड द फॉस्फेट ग्रुप, क्लियर। नाउ द लास्ट इज दैट द स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स दे कैन बी क्रिस्टलाइजेबल, इजिली हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं उनको, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट स्टीरॉइड्स दे डू नॉट हैव एनी फैटी एसिड, उनके पास फैटी एसिड नहीं है। बट इन बोथ दैट सिंपल लिपिड्स एज वेल एज इन द कंपाउंड लिपिड्स द फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट हेयर along with the alcohol, but here that fatty acid is not present, but they are composed of, usme wo kisse bane hain, wo bane hain that they are composed of four fused carbon ring hai, char unse wo milke bane hain aur unke sath mein char ring structure hai कार्बन के, और साथ में एक लंबी चेन है अलोंग विद द साइड लॉन्ग साइड चेन। एग्जांपल हम बोलते हैं कॉमन एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज स्टीरॉल, क्या बोलेंगे इनको हम, स्टीरॉल। और स्टीरॉल के पास कौन सा ग्रुप होता है, एडिशनल ग्रुप दैट इज द ओएच ग्रुप। वो ओएच ग्रुप मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको स्टेरॉइड बनता है, उसका नया नाम है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल में कार्बन के 27 एटम है, हाइड्रोजन 45 और साथ में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से लिपिड्स के कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड और द मॉलिक्यूल्स दे आर क्लासिफाइड इनटू सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड द स्टेरॉइड।